हेलो, वेलकम टू कुश के व्लॉग्स। बहुत ज्यादा है यार, इसको नीचे करो। एंड पुलिस वाले भी हैं तो थोड़ा एक मिनट फोन नीचे करता है। एनीवेज, सो वेलकम टू कुश के व्लॉग्स। आज आपने टिम हॉर्टन्स का नाम तो वैसे सुनी रखा होगा, मोस्ट ऑफ लोगों ने सुनी रखा होगा। बेसिकली वो क्या है कि कैनेडा की कॉफी ब्रांच है, ठीक है। कैनेडा में उसके सारे उसके आउटलेट्स हैं। एंड अभी इनफैक्ट कल थी 17th को टिम हॉर्टन्स ने दिल्ली में 3 आउटलेट्स खोले हैं, ओपनिंग हुई है 3 आउटलेट्स की। हाँ, तो दिल्ली में 3 आउटलेट की ओपनिंग हुई है। तो आज क्या था कि मेरा सीयूएट था, जिसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा। नहीं पता था मुझे रास्ता। एनीवेज, तो मैं डालूंगा अभी उसकी वीडियो, ठीक है, तो सीवेट के एक्सपीरियंस के ऊपर। बट अभी मैं सीवेट देख के निकला ही था कि मैंने मैप में देखा टिम हॉर्टन्स सिलेक्ट सिटी वॉक वाला जो सिलेक्ट सिटी मॉल है उसमें टिम हॉर्टन्स एक, और वो पास में था, एक साइबर हब में है, एक इधर है और एक और पता नहीं कहाँ पे है। तो मैंने सोचा जब इतना पास है तो क्यों ना हो एंड ब्लॉग बनाए, लोगों को दिखाएं कैसे क्या एक्सपीरियंस है। मेरे भी फर्स्ट टाइम है, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हो गया यार, कल ही खुला है। कैनेडा एंड ऑल में मैं तो गया नहीं, तो मैंने वहाँ पे पी नहीं है ऑफकोर्स। गया नहीं तो जो भी है, तो अब उन्होंने यहाँ पे खोला। उसका आउटलेट यूएसए तक में नहीं है, उसका आउटलेट अब दिल्ली में खुल गया है। तो लेट्स गो एंड लेट्स सी कैसा है, आई टेल यू द एक्सपीरियंस। इनफैक्ट कल तो बहुत ज़्यादा रश था, मैंने लोगों की स्टोरियाँ देखी थी, बहुत ज़्यादा रश था। आज देखता हूँ, आई विश रश ना हो, होप फॉर द बेस्ट। वेल, अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे एक MG मॉल करके है, लाइक MG मॉल में आप पार्किंग कर सकते हो गाड़ी की, तो मैंने भी अभी यहीं पार्क करी है। इसके बाद अब जाना पड़ेगा, लाइक अंदर से ही रास्ता है सिलेक्ट सिटी के लिए ना। मतलब मैं आया था पहले, मैं डायरेक्ट दूसरे वाले रास्ते से आता था, MG मॉल नहीं पड़ता था। बट अब उन्होंने बोला कि आप इधर ही खड़ी कर सकते हो MG मॉल में, इसकी पार्किंग करके आप सिलेक्ट सिटी जा सकते हो। सिलेक्ट सिटी के लिए कहाँ से रास्ता? ठीक है, तो अब अंदर से जाके भाई फर्स्ट फ्लोर से जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा। इतना स्ट्रगल, मतलब कोई नया रहा, गलत कट ले लिया, गलत मालूम उड़ गया, ठीक है कोई ना, अंदर से रास्ता है ही, कौन सा धूप में जाना है। अब मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आज रस है नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स विश ना ही हो। सी या। फाइनली बहुत लंबी लाइन थी यार। इनफैक्ट मैंने देखा इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इन्होंने एकदम स्टारबक्स के सामने ही खोला टिम हॉर्टन्स। एंड मैंने लिया डबल लैटे विद मीडियम रोस्ट आइस कह रहा हूँ कॉफी बीन्स। एंड एनीवेज, तो मीडियम रोस्ट कॉफी बीन्स। एंड मेरे को एक्चुअली लेना था जावा चिप, बट अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। अभी बहुत सारे आइटम अवेलेबल नहीं थे यार, लाइक अगर मेन्यू का 50% देखा जाए तो अवेलेबल ही नहीं था, सिर्फ 50% अवेलेबल था। उसमें से मुझे लेना पड़ा ज़बरदस्ती, और मैं बोलूँगा अच्छी है बट नॉट टू गुड, यू नो, जितनी हाइप है, जितनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भी बढ़िया नहीं है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू स्टारबक्स मैं बोलूँगा थोड़ी बेटर, बट मुझे स्टारबक्स की फिर भी जावा चिप ज़्यादा अच्छी लगती है। बट ठीक है यार, अब हाइप है, ये है, ट्राई करनी थी, ट्राई करने के लिए आए थे। एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 350 समझ लो, ओके। तो ठीक है, प्राइस रेंज भी ऑब्वियसली स्टारबक्स की रेंज में ही है, मीडियम रेंज है। मेन्यू एंड ऑल की पिक्स वीडियोस में डाल दूंगा, आप देख लेना। एंड दैट वाज माय रिव्यू फॉर टिम हॉर्टन्स। बेस्ट ऑफ लगाओगे तो, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ गलती से वीकेंड्स में मत आ जाना। मतलब आज वीकेंड नहीं था, इतनी भीड़ थी वीकेंड्स में, तो भाई मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। बट वीकडेज बेटर थे, मेरी कार भी मिल गई फाइनली, जो भी है। तो वीकडेज पे आओ, वीकडेज पे फिर भी भीड़ है, सीट मिलना मुश्किल है, पर ठीक है, मिल जाएगी यार। अभी वो वीडियो कट हो गई थी, बट दैट्स ऑल मेरा रिव्यू टिम हॉर्टन्स के लिए। दो न्यू है, ट्राई करो, आओ, बढ़िया है।
एंड वेल फिलहाल मैं व्लॉग डालूंगा, इसका साइकिलिंग व्लॉग है, पेंडिंग एक दो व्लॉग हैं वो डालता हूँ, लाइनअप में है, तो तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो प्लीज सपोर्ट. ओके सो बाय सी या नेक्स्ट टाइम. और किसी अगर कोई पर्टिकुलर व्लॉग व्लॉग चाहिए होगा तो बताना यार, कंटेंट के लिए आइडियाज चाहिए होते हैं. बाय.